हेलो गाइस, कैसे हो सब। मैं विनोद एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपका एक और नए वीडियो में। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस, आज का जो अपना व्लॉग होने वाला है वो होने वाला है कि अपना जो नया मकान है उसका काम हमने चला रखा है और पिछले 3-4 महीने से काम चला रखा है, लेकिन अब उस कंडीशन में आए मतलब कि मैं वीडियो बना सकूँ, क्योंकि उस टाइम तो खुदाई विदाई थी बहुत ज़्यादा है और तो उस टाइम बनाने का कोई मतलब ही था नहीं, क्योंकि उस टाइम कुछ पता भी नहीं होता ना कि कैसे बन रहा है क्या बन रहा है। तो मतलब ऑलमोस्ट स्ट्रक्चर तैयार हो चुका है अंदर, मतलब पूरा छत का रूम भी बन चुका है, अंदर प्लास्टर भी कर रहे हैं और अब मार्बल वगैरह करना बाकी है। तो मैं आज आपको टूर करवाने वाला हूँ, अपना जो मकान का काम चल रहा है पूरा व्यू दिखाने वाला हूँ आपको कि कैसे क्या बनेगा, क्या कैसे बनेगा। तो गाइस चलते हैं और मैं दिखाता हूँ आपको आज का जो व्लॉग है वो अपना नया मकान का टूर। ये देखो यहाँ का एरिया कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ये मतलब ये राजनगर साइड पड़ता है एरिया, ये गायत्री विहार, इधर पास में डिसेंट स्कूल भी है उसके पास में ही है। तो ये जो बन रहा है ना ये सेकंड वाला, ये तो फर्स्ट वाला है ये हमारे पड़ोसी कोई, और ये सेकंड वाला ना ये है अपना मकान। तो चलते हैं अंदर और मैं अंदर से आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। ये मार्बल करने वाले भैया ही है हमारे, ये देखो साहब। ये चलते हैं अंदर में, एक एक रूम दिखाऊँगा आपको पूरा। ये एंट्रेंस कुछ ऐसा होने वाला है, ये बाहर ये रूम टाइप का ही बना रहे हम। मतलब पहले तो प्लान था कि दुकान बनाएंगे इसमें यार, लेकिन फिर दुकान का प्लान कैंसिल हो गया, रूम बना दिया। बाद में अगर इन फ्यूचर ज़रूरत पड़ी थी उसको दीवार को तोड़ के अपन दुकान भी बना लेंगे। और ये देखो कुछ ऐसा है, अभी काम चल रहा है मतलब ये पूरा नहीं हुआ यार। ये चलते अंदर में, अंदर टूर करवाने वाला हूँ। ये बरामदा टाइप में जो बोलते हैं ना वो रहने वाला ही है, ये रहेगा अपना बरामदा। ये देखो अभी तो काम पूरा सामान फैला पड़ा हुआ है, देखो यार ये यहाँ पे कुछ ऐसा होने वाला है। और ये रसोई रहेगी अपनी, रसोई भी काफ़ी बड़ी बनाई है, मतलब मेरी मम्मी बोलती है कि ना रसोई बड़ी होनी चाहिए मेरे लिए, तो हमने क्या रसोई बड़ी बनाई है। ये कुछ इस प्रकार की रहेगी रसोई, और ये हमारी चेतना दीदी हमारे साथ आई है। अब चलते हैं, देखो एक रूम ये कुछ ऐसा होने वाला है, अटैच है इसमें, मतलब ये लेटरिन बाथरूम अटैच बना है इसमें, ये कुछ इस प्रकार का है। और अब चलते हैं एक और रूम है इधर, ये वाला, ये रूम की साइज थोड़ी बड़ी है, मतलब ये देखो अभी सामान फैला पड़ा हुआ है पूरा ऐसा कैसा यार। अभी तो मतलब प्लास्टर होके भी ये पुताई के लिए, मतलब डबल ट्रिपल पुताई करेंगे इसमें तब जाके फिनिशिंग आएगी। यहाँ पे मोटर लगी हुई है, तो ये पीछे भी एक गेट लगाए देखो हमने, पीछे का व्यू मैं दिखाता हूँ बाहर से। देखो अभी ये पीछे आ गया अपना, ये देखो यहाँ मार्बल कटिंग का काम चलता है मतलब यहाँ दिन में। और ये देखो साहब, ये पीछे का व्यू कुछ ऐसा है, पीछे प्लास्टर हो चुका है, पिता पुताई उताई होना बाकी है। और दोस्तों मैं दिखाता हूँ आपको अपना छत वाला एरिया, ऊपर चलते हैं अपन यहाँ से। ये मार्बल की कटिंग वटिंग है, मोटर का जो कनेक्शन है वो यहीं से लिया हुआ है यहाँ पर, मतलब है मोटर। तो अब चलते हैं अपन ऊपर, छत पर चलेंगे अपन देखो। और हाँ, नीचे के जो कॉमन जो लेटरिन बाथरूम रहने वाले वो इस साइड रहेंगे, कॉमन वाले इस साइड। यहाँ पे ये लाइट जा रही है अभी यार, लाइट जा रही क्या मतलब कनेक्शन है ही नहीं अभी, ये अभी कनेक्शन नहीं है तो अंधेरा है, कुछ दिखाई नहीं देगा। और वैसे भी अभी नीचे प्लास्टर वगैरह नहीं हुआ ना, फर्श वगैरह मार्बल वगैरह होने के बाद में काफ़ी अच्छा होने वाला है। ये छत पर चलते हैं अपन, अब मैं ऊपर वाला एरिया आप लोगों को मैं दिखाने वाला हूँ। देखो देखो ऊपर की RCC हुई थी अभी, मतलब ये बल्लियाँ लगी हुई है फिलहाल अभी तक, ये अटे के एक दो दिन बाद। ये साहब ऊपर आ गया अपन, ये ऊपर का व्यू कुछ ऐसा है। और ये रूम है ऊपर का वाला, और आई थिंक ऊपर वाला रूम है जो मेरा ही रहेगा जहाँ तक मुझे पता है, क्योंकि ऊपर वाला रूम पसंद आता है मेरे को हमेशा। ये देखो ये यहाँ से कुछ ऐसा व्यू दिखेगा, और पास में उधर एक डिसेंट स्कूल भी और मुकुंदरा प्राइमरी हिल्स भी है, बिल्डिंग है मतलब बड़ी बड़ी साइड में, मतलब ये पूरा एरिया डेवलप हो रहा है मतलब धीरे धीरे पूरा। ये देखो ये छत का व्यू कुछ इस तरीके का रहने वाला है। देखो अपना मतलब दो गेट बनाए हमने, एक तो पीछे की साइड है, एक जो अपने जो फ्रंट फ्रंट में रहेगा, एक तो फ्रंट में रहेगा और एक पीछे की साइड रहेगा। ये मतलब ये दोनों मकान का काम भी जब हमने स्टार्ट किया था ना तभी स्टार्ट हुआ था, देखो इन दोनों का, इसका और उसका वाले का मतलब। और ये मकान भी काम चल ही रहा था उस टाइम पे, कंप्लीट हो गया मतलब। तो धीरे देखो वहाँ का भी अभी
कंप्लीट हुआ है, तो मतलब यहाँ धीरे धीरे डेवलप हो रहा है बहुत जबरदस्त तरीके से यार। ये देखो, तो गाइज ये था आज का अपना वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और गाइज हाँ, मैं एक बात बताना चाहूँगा आपको कि आप लोगों को लगा होगा थंबनेल में देख के कि यार ये यूट्यूब से इतना कमा रहा है कि मकान ही बना लेने रहे। भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, यूट्यूब से कोई अर्निंग नहीं हो रही है फिलहाल मतलब मेरी, क्योंकि यूट्यूब से अर्निंग करने के लिए यार बहुत मेहनत करनी होती है, इतना टाइम मिल नहीं पाता। देखो सीधी सी बात है, हालांकि मेहनत तो मैं कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बट रेगुलर वीडियो मेरे नहीं आ रहे, रेगुलर वीडियो नहीं आ रहे तो व्यू कम आ रहे, व्यू कम आ रहे तो अभी सब्सक्राइबर नहीं हो पा रहे। और जैसा कि आप सभी को पता है कि यूट्यूब में अर्निंग करने के लिए आपका चैनल मोनेटाइज होना जरूरी है, और मोनेटाइज होने के लिए भी दो कंडीशन है जो फुलफिल होनी चाहिए। कि फर्स्ट तो क्या है कि 1000 सब्सक्राइबर आपके विद इन 1 ईयर होने चाहिए, और 4000 घंटे वॉच टाइम भी विद इन 1 ईयर ही कंप्लीट होने चाहिए। तो गाइज ये दोनों कंडीशन अभी मेरी ऑलमोस्ट, मतलब अगर सब्सक्राइब की बात करूँ तो मेरे हो चुके हैं, बट वॉच टाइम में कमी है, अभी वॉच टाइम अभी कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि यार कंटिन्यू वीडियो नहीं आ रही। अब कंटिन्यू वीडियो नहीं आ रही तो मतलब फिर वो रीच जो होती है बहुत डाउन जा रही है, और व्यू बहुत कम आ रहे हैं, तो इसमें क्या है सब्सक्राइबर बढ़ी नहीं रहे। मतलब वीडियो आता है मेरा 10 दिन में 1 बार, 15 दिन में 1 बार, तो मतलब मैं कोशिश कर रहा हूँ अब जैसे 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 टाइम मैनेज करूँगा, और मतलब हर वीक में 2 या 3 वीडियो में ज़रूर लाऊंगा। और मेहनत करने में कोई वो नहीं है यार, मेहनत अपन करेंगे खूब, और टाइम, और एक टाइम ऐसा भी आएगा कि यूट्यूब से भी अपन अर्निंग करेंगे और कुछ बनाएंगे, मैं बता रहा हूँ आपको। लेकिन अभी तो देखो टाइम लगेगा काफ़ी इसके लिए, तो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है और मेहनत करते रहेंगे। तो गाइज ये था आज का अपना व्लॉग, अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो गाइज मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और नए स्थान के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।